सभी विद्यार्थियों का स्वागत है इस चैनल में। 2021 में मैट्रिक इंटर की फाइनल बोर्ड की परीक्षा लिखने वाले सभी विद्यार्थी इस वीडियो को पूरा अंत तक देखेंगे। बोर्ड की परीक्षा को लेकर बिल्कुल सबसे बड़ा अपडेट आ चुका है और अन्य परीक्षाओं को लेकर भी बहुत ही बड़ा अपडेट आ चुका है। तो दोस्तों आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देखें, वीडियो आप मिस मत कीजिएगा, क्योंकि दोस्तों अगर आप इस वीडियो को मिस करते हैं तो आप बहुत पछताओगे। इसलिए दोस्तों आप वीडियो को थोड़ा सा स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को पूरा अंत तक देखेंगे। और दोस्तों इस वीडियो में यह भी बात करने वाले हैं कि झारखंड बोर्ड यानी कि 10वीं और 12वीं की बोर्ड की परीक्षाएं होगी या नहीं होगी, बोर्ड की परीक्षा आगे भी पोस्टपोन किया जा सकता है या उनकी परीक्षा ली जा सकती है या उनकी बोर्ड की परीक्षा रद्द की जाएगी, पूरी जानकारी मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं। तो दोस्तों सबसे पहले हम जानेंगे कि क्या अपडेट आई है, क्या चौंकाने वाली अपडेट है जो कि आप सभी विद्यार्थियों को जानना चाहिए। दोस्तों सबसे पहले आप हमारी स्क्रीन के राइट साइड में देख सकते हैं, यहां पे एक अपडेट जारी किया गया है जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट की ओर से जो है अपडेट जारी किया जा रहा है। साथ में दोस्तों यहां पे बताया है, जरा ध्यान दीजिएगा, कहा है निर्देश, मई में होने वाली सभी परीक्षाएं स्थगित। यानी दोस्तों मई महीने में जितने भी परीक्षाएं होने वाली है, जितने भी बोर्ड की परीक्षाएं हो या अन्य परीक्षाएं हैं, कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो या क्लासेस एग्जाम हो, पीजी हो, यूजी हो, जितने भी एग्जाम है सभी एग्जाम को जो है फिलहाल स्थगित कर दिया गया है, पोस्टपोन कर दिया गया है। दोस्तों यहां पे अन्य भी परीक्षाएं जो होने वाली थी, जो मई महीने में होने वाली थी, उन सभी को लेकर जो है बहुत ही बड़ा निर्देश जारी किया है। दोस्तों यहां पे क्या क्या बताया, पूरी डिटेल के साथ मैं आप लोगों को बताने वाला हूं, जरा ध्यान दीजिएगा। दोस्तों यहां पे बताया है कि कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए शिक्षा मंत्रालय ने केंद्र सरकार से सहायता प्राप्त सभी संस्थानों को मई में होने वाली सभी ऑफलाइन परीक्षाओं को जो है स्थगित करने का निर्देश दिया है। यानी दोस्तों यानी कि शिक्षा, जरा ध्यान दीजिए, कहा है कि जो सरकार केंद्रीय सरकार से सहायता प्राप्त यानी कि जो गवर्नमेंट से मान्यता प्राप्त सभी संस्थान जो बोर्ड एग्जाम कंडक्ट कराती है, चाहे आप अन्य परीक्षाओं की बात करें, कॉम्पिटेटिव एग्जाम की बात करें या बोर्ड की परीक्षाओं की बात करें, तो उन सभी को जो है एक निर्देश दिया है, सभी की परीक्षाओं को जो है अभी फिलहाल स्थगित किया गया है। सब जितने भी मई में होने वाली परीक्षाएं हैं उनको जो है अभी पोस्टपोन कर दिया गया है, उनको कुछ दिनों के लिए पोस्टपोन किया है। जैसे ही मामला शांत होती है, जैसे ही मामला जो है जो अभी सामान्य होती है उन पर जो है विचार करेगी, उसके बाद ही आप लोगों का एग्जाम का कुछ बात या वार्तालाप किया जाएगा। दोस्तों आगे यहाँ पे बताया कि केंद्र सरकार ने निर्देश के दायरे में यह भी कहा है कि सभी ITI, NIT, IIIT, IIII और केंद्रीय विश्वविद्यालय आएंगे। केंद्र सरकार से सहायता प्राप्त संस्थानों के प्रमुख को भेजी गई चिट्ठी में उच्च शिक्षा सचिव अमित खरे ने यह कहा है कि इस महीने होने वाली सभी ऑफलाइन परीक्षाएं स्थगित कर दी जाए। यानी जितने भी ऑफलाइन परीक्षाएं होने वाली थी, जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो या जितने भी बोर्ड एग्जाम्स हो, सभी को जो है स्थगित कर दिया गया है। मंत्रालय के एक अधिकारी ने कहा है कि ऑनलाइन परीक्षाएं आदि जारी रह सकती है, यानी कि जो ऑनलाइन परीक्षाएं हो रही है या होने वाली है वो जारी हो रह सकती है। और यहाँ पे दोस्तों यह कहा है कि फैसले की समीक्षा जून के पहले सप्ताह में की जाएगी। यानी कि जो बोर्ड एग्जाम्स होने वाले हैं, जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स होने वाले हैं, उन सभी परीक्षाओं पर जो है जून को जो है यानी कि जून के फर्स्ट वीक में इसकी समीक्षा की जाएगी, उन पर फैसला लिया जाएगा कि एग्जाम आगे लिया जा सकता है या नहीं लिया जा सकता है, क्या बोर्ड की परीक्षाओं को भी रद्द की जा सकती है। जैसे कि कई स्टेट ने बोर्ड की परीक्षाएं रद्द किया है, स्थगित किए हैं, उन पर जो है विचार करने वाली है, उन पर फैसला करने वाली है। दोस्तों यहां पे आगे बताया कि नीट पीजी की परीक्षाएं भी 4 महीने के लिए जो है टाल दी गई है। यानी कि 4 महीने के लिए, समझ सकते हैं दोस्तों कि 4 महीने के लिए जो है नीट पीजी की जो परीक्षाएं होने वाली थी उनको आगे जो है टाल दिया गया है। कोरोना से निपटने के लिए सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में एक समीक्षा बैठक हुई है। इसमें नीट पीजी 4 महीने तक स्थगित करने के साथ ही चिकित्सा प्रशिक्षकों की को महामारी प्रबंधन कार्यों में तैनात करने का फैसला लिया गया है। यानी कि जो MBBS की ट्रेनिंग कर रही है, जो MBBS का जो पढ़ाई कर रहे हैं, उन सभी विद्यार्थियों को भी जो है कोरोना यानी कि कोविड में जो है उनको जो है प्रबंधन के कार्यों में जो है तैनात करने का फैसला लिया है। साथ में दोस्तों यहाँ पे यह भी बताया गया है कि PMO के मुताबिक बैठक में MBBS अंतिम वर्ष के छात्रों का कोरोना मरीजों की निगरानी के उपयोग करने का फैसला लिया है। साथ में दोस्तों यह भी जान लेते हैं कि क्या झारखंड बोर्ड में भी कि 10वीं की बोर्ड की परीक्षा रद्द की जा सकती है या 12वीं की बोर्ड की परीक्षा रद्द होगी। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि सूत्रों के मुताबिक जो पता चल रहा है, मैं आप लोगों को वही बताने वाला हूं कि 10वीं की बोर्ड की परीक्षा स्थगित हो सकती है। इन पर अभी तक कोई अंतिम मोहर नहीं लगा है। 1 जून को इनकी
की समीक्षा की जाएगी, कोविड का केस बढ़ता है या घटता है, उनका ग्राफ देखा जाएगा कि आगे बढ़ोतरी हो रही है या उनकी जो है सामान्य स्थिति बन रही है, उन पर जो है वार्तालाप किया जाएगा, उन पर विचार किया जाएगा, बड़े बड़े सलाहकारों के साथ जो है वहाँ पे सलाह लिया जाएगा, उसके बाद निर्णय लिया जाएगा कि 10वीं और 12वीं की बोर्ड की परीक्षा होगी या नहीं होगी। दोस्तों 1 जून तक आप लोग वेट कर लीजिए, किसी तरह आप लोगों का जो है जिस तरीके से सामान्य स्थिति आ जाती है तो आप लोगों का एग्जाम हो पाएगी। अगर स्थिति सामान्य नहीं होती है तो समझ लीजिए दोस्तों कि मैट्रिक की बोर्ड की परीक्षा जो है वो रद्द किया जा सकता है और उनका जो रिजल्ट है वो इंटरनल असेसमेंट के आधार पर, यानी कि दोस्तों 9वीं का जो रिजल्ट आप लोगों का है उनके आधार पर आप लोगों का जो है परफॉर्मेंस रहेगा और आप लोगों का उन्हीं के आधार पर आप लोगों का रिजल्ट भी तैयार किया जाएगा। तो दोस्तों इस अपडेट में बस इतना ही। वीडियो को लाइक अपने दोस्तों में शेयर भी जरूर कीजिएगा और चैनल पर नए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिएगा ताकि लेटेस्ट अपडेट की नोटिफिकेशन जो है सबसे पहले आपको मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।